गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन ग्लूकोज का मेनोस में परिवर्तन का सेकंड मेथड पर अपन बात करेंगे। और ये मेथड अपना क्या है, लोबरी डी ब्राउन वॉन एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। ठीक है, तो इस पर अपन बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया भी था कि इसमें क्या क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि भाई जो शुगर्स होती हैं, जब शुगर्स को क्या है कि कंसंट्रेट एसिड सॉरी बेस के साथ हीट किया जाता है, तो वे क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और क्या है कि अदर लोअर कैटेगरी के क्या बनाते हैं कि शुगर्स में डिसोसिएट होकर क्या है कि येलो या ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपने क्या करते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेट यानी कि सांद्र बेस ना लेकर के अपने क्या लें, डाइल्यूट तनु क्षार लेते हैं, तनु बेस लेते हैं, डाइल्यूट बेस लेते हैं, तो उसके साथ क्या होता है के साथ क्या है, या तो ये लें या क्या है कि कोई अपने एमीन ले लें, तो एमीन के साथ अगर इसको हीट किया जाता है तो इसके क्या है कि आइसोमराइज यानी कि समावयवित होकर ये क्या है कि एल्डोस, कीटोस और अन्य एपिमर का एक क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम मिश्रण यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे अपन यहाँ पर क्या ले कि ग्लूकोस या फ्रक्टोस या क्या है कि मैनोस, तीनों में से किसी एक को लेकर अगर डाइल्यूट क्षार के साथ, डाइल्यूट बेस के साथ क्या करते हैं, हीट करेंगे, तो इसके इन तीनों का क्या होगा कि एक अपने को इक्विलिब्रियम मिक्सचर यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कि भाई जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये, तो इसकी के जो मैकेनिज्म की बात करें तो इन डाईओल, इन और डाईओल, ठीक है ना, इन डाईओल के माध्यम से होती है, मीडियम से होती है। ठीक है, और ये क्या है कि इसकी मैकेनिज्म अपने को इन और डाईओल सॉरी इन और डाईओल से अपने इसको अलग अलग मेथड से यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जो जो बातें की है, पहली बात तो वो करें अपना कि जब शुगर्स यानी कि शर्कराओं को कंसंट्रेट बेस सांद्र क्षार के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड अदर अन्य लोअर निम्न कोटि कैटेगरीज की शुगर्स शर्करा में डिसोसिएट डिसोसिएट होकर येलो या ब्राउन ब्राउन कलर का सॉल्यूशन विलयन फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करें यदि इन्हें डाइल्यूट बेस तनु क्षार या एमीन के साथ हीट किया जाए तो ये समावयवित
यानी कि आइसोमराइज आइसोमराइज होकर एल्डोस कीटोस कीटोस एवं अदर एपिमर एपिमर्स का एक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि ग्लूकोज या फ्रक्टोज या मेनोस मैनोस मैनोस तीनों में से किसी एक को लेकर डाइल्यूट बेस के साथ हीट करते हैं तो तीनों का इक्विली बेरियम साम्य मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से एक शॉर्टकट तरीका इसका, वो किस तरह से बताएंगे अपन। डेक्सट्रो ग्लूकोज डेक्सट्रो मेनोज और डेक्सट्रो फ्रक्टोज, ठीक है, ये तीनों अपन ने लिए। तो इन तीनों के मिक्सचर का क्या है कि आपको एक इक्विलिब्रियम यहां पर मिलेगा। ये कोई बेस ले लिया अपन ने यहाँ पर, इसके साथ जब इनको हीट करते हैं तो क्या है कि इन तीनों का एक इक्विलिब्रियम आपको प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि तीनों आपस में क्या होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, इनका एक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म इन डाई ऑल के माध्यम मीडियम से होती है। ठीक है, अब इसको अपन कैसे यहां पर डिनोटेट करेंगे, तो यहां पर क्या है कि टू मेथड है, यानी कि एक इनोल से और एक ओल से, ठीक है ना, डाइओल से। तो इनो कीटो और इनोल दोनों रूप हो जाएंगे यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर अपने अलग अलग मेथड से यहां पर दो मैकेनिज्म बताएंगे अब आपको। तो यहां पर ही अपने डेक्सट्रो ग्लूकोज लिया,
ठीक है, सी एच ओ एच का ऑल्थराइज और सी एच टू ओ एच। अब क्या करते हैं कि इसको किसी बेस के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो डाइल्यूट बेस के साथ जब हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इन डाइओल यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन डाइओल कैसे प्राप्त होगा कि यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन के बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के पास गया तो प्रोटॉन रिलीज होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या किस में हो जाएगा, इन और ओल रूप में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपके पास सी, ठीक है, एच ओ एच डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एच ओ एच का होल थ्राइज और सी एच टू ओ एच। ये क्या हो गया इसका, इन डाई ओल। ठीक है, इन डाई ओल आपको ये मिल गया यहाँ पर। तो अब क्या है कि यहाँ पर मैकेनिज्म में अपने एक मेथड आगे, अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर कंबाइंड कर रहा हूँ इसको एक तरह से, तो यहाँ पर क्या है कि भाई अपन मैकेनिज्म नंबर इसको टू दे देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मैं यहाँ पर बॉन्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर टू लिखूंगा तो आप समझ जाना कि ये इससे ये फॉर्म हो रहा है और एक अपने इधर इसके साथ नीचे की ओर बनाएंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या देंगे, नंबर वन। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ जब अपन क्या है कि नंबर टू मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो नंबर टू के अकॉर्डिंग क्या होती है कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये तो इधर आएगा, ये टू नंबर मैकेनिज्म के लिए हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टू के लिए होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो प्रोटॉन रिलीज होगा वो प्रोटॉन इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा अब आपके पास, सी एच डबल बॉन्ड ओ सी, यहां पर ये एच एच ओ सी एच ओ एच का होल थ्राइज और सी एच टू ओ एच। ये क्या फॉर्म हो गया यहां पर, डेक्स्ट्रो मैनोस। ठीक है, अब डेक्स्ट्रो मैनोस से वापिस से ये बनाना है फिर ये फॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा कि अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां और इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले के यहां, तो ये वापिस से फिर ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके लिए बात यहां पर टू नंबर। ठीक है, ये दो नंबर यहां पर इसलिए डिनोटेड किया है कि भाई ये प्रोसेस इधर हो रहा है। अब यहां पर जो बॉन्ड का रिमूवल आप बताएंगे तो वो वन के अकॉर्डिंग बताएंगे। अब तो वन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होता है कि अब मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं इसमें ये। ठीक है, तो वन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई ये जो है यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाए, ये एक नंबर। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि यहां पर ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाए, यहां जाए। ठीक है, ये भी एक नंबर के लिए। तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी यहां पर, यहां डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा आपके पास, सी एच यहां पर ये एच यहां पर ये ओ एच। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई। अब इसके बाद यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ एच का होल थ्राइज सी एच टू ओ एच। ठीक है, तो अब ये क्या फॉर्म होगा यहां पर, डेक्सट्रो फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये डेक्सट्रो फ्रुक्टोज यहां पर फॉर्म हो गया।
तो अब इसमें क्या है कि वापिस से अगर अपने को फॉर्म करना है ये यही रूप, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अब उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वापिस से इस रूप में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि भाई वापिस से अब ये बॉन्ड है तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, वो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका इनोल रूप वापिस से, यानी कि इन डाईओल रूप वापिस से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि जो आपको ये सिस्टम मैंने यहाँ पर ये जो इसने बताया है कि भाई ग्लूकोज से मैनोस या इनसे आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक क्या होगा, यहाँ पर इन डाईओल यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो इससे क्या है कि इन डाईओल से आप क्या कर सकते हैं कि ग्लूकोज भी बना सकते हैं। ये क्या है, डेक्सट्रो ग्लूकोज, ठीक है, डेक्सट्रो ग्लूकोज, डेक्सट्रो मैनोस और डेक्सट्रो फ्रुक्टोज। तो ये यहां पर जो आपको बताया है, तो ये यही चीज बताई यहां पर कि जब आप इसके साथ इसको हीट करेंगे तो यहां पर क्या है कि भाई एक मैग इस इनोल से क्या होगा, इन डाईओल से, कि एक तो अपन क्या कर सकते हैं मैनोस का फॉर्मेशन, और मैनोस से इसके अलावा फिर क्या है कि इसी से अपन क्या कर सकते हैं फ्रक्टोज का, केवल क्या है कि बॉन्ड का सिस्टम अलग हो जाएगा। अब आप ये ध्यान रखना कि ये जो काउंटिंग रखी है तो ये तो रखी है इस मैकेनिज्म यानी कि फ्रक्टोज के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहां पर क्या है मैं बता देता हूं और आपको, नोट वन, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है, और टू फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैनोस, ठीक है। तो ये आप यहां पर ध्यान रखना, जो ये काउंटिंग डाली है जो रेड पेन से है वो तो उससे क्या होगा मैनोस का फॉर्मेशन, और जो ब्लू कलर से वन लिखे हैं तो इनके लिए यानी कि फ्रक्टोज के फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड चेंज वन वाला होगा, जबकि मैनोस के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा यहां पर टू वाला यहां पर चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्या होता रहेगा, इंटर कन्वर्जन, यानी कि इंटर कन्वर्जन यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, अंतर परिवर्तन होते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।